मैं नौसेना के वीर अस्पताल में अपने बेजान पैरों के साथ बेहोश लेटा रहता था, जहां मुझे उड़ान भरने के ख्वाब दिखाई देने लगे। अवतार मूवी की मेन कैरेक्टर नावी को जेम्स ने कैसे तैयार किया? आखिर क्यों जेम्स ने 1994 से 2008 तक इंतजार किया अवतार मूवी की स्क्रिप्ट के साथ? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे हॉलीवुड की आज तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी के बारे में, जो है अवतार की अपकमिंग सीक्वल अवतार 2 के बारे में। अवतार मूवी में आपने एक बेहतरीन मूवी है हॉलीवुड इंडस्ट्री की, जो 2019 में अवतार मूवी के ग्रॉसिंग के मामले में ओवरटेक कर दिया था मार्वल की आज तक की सबसे शानदार मूवी एवेंजर्स एंड गेम ने। लेकिन इसी साल 2021 में जब अवतार मूवी को चाइना में री रिलीज किया गया, तो मूवी कलेक्शन दोबारा से एवेंजर्स एंड गेम को ओवरटेक करने के बाद फिर से टॉप पोजीशन पर पहुंच गया। अवतार मूवी की स्क्रिप्टिंग तो तैयार करने में जेम्स कैमरून ने अपने 13 साल गा दिए। जेम्स कैमरून ने इस मूवी को 1994 में लिखना शुरू किया था। एक्चुअल में इस मूवी की विजन उन्होंने 1970 से शुरू कर दी थी, और इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉकबस्टर की स्क्रिप्ट है हर डिकेड में बदलती रहती है। उन्होंने इस मूवी स्क्रिप्ट पर बार बार रीवर्क किया है और उसको रीटूल किया। अब लगातार इंतजार किया दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी आने का जो कि स्टोरी को बना सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उन्होंने इमेजिन की है। कैमरून ने बहुत कोशिश की इस मूवी प्रोजेक्ट को शुरू करने में, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकामयाब रहीं कि मूवी मेकर कैमरून किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे अपने विजन के साथ। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, इस मूवी को तैयार करने की पॉसिबिलिटीज भी असलियत में बदल गई, और उसी के बाद जो हुआ वो हमारे सामने है। मूवी के मेन कैरेक्टर नावी के अपीयरेंस के बारे में बताते हुए जेम्स कैमरून ने रिवील किया कि उस किरदार की इंस्पिरेशन उन्होंने अपनी मॉम से एक ड्रीम से ली थी, जिसमें उन्होंने एक 12 फुट लंबी ब्लू वुमन को देखा था, जो काफी कूल इमेज थी। सिनेमा का सपनों के साथ एक पुराना रिश्ता है, खास करके जेम्स कैमरून का, क्योंकि जेम्स को एक बार एक काफी डरावना सपना आया था, और उन्होंने वो सपना इतना ज्यादा इंस्पिरेशन लगा कि उन्होंने अपने सपने में देखे हुए नाइटमेयर को एक रियल लाइफ मूवी बना दिया। हम बात कर रहे हैं जेम्स कैमरून की मूवी द टर्मिनेटर के बारे में। रोम में जेम्स कैमरून काफी बीमार थे, और रात को सोते वक्त उनको एक नाइटमेयर आया, जिसके उन्होंने टर्मिनेटर मूवी में दिखा दिया। आपके इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे की वीडियोस की जानकारी के लिए बॉलीग्रास न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम, और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक मिकी ने।